जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते यार अच्छे होंगे, मस्त होंगे पूरा। और देखिए हमारा अभी खाना बन रहा है, उसमें गैस समझ जाओ लीकेज, अभी उधर लीकेज कर रहा है, यहाँ तक आवाज आ रहा है भाई। दोस्तों मैं वीडियो एक इसलिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ही नहीं मतलब पूरा हिंदुस्तान उसकी बात कर रहा है, जो मतलब एक उत्तराखंड में कांड हुआ है जिसमें 41 मजदूर उसमें फंसे हुए भाई। और 41 मजदूर फंसने के बाद भी मतलब 12 से 14 दिन हो गया है, फिर भी वो लोग अभी तक निकले नहीं हैं। मगर एक बात और है दोस्त, मतलब पूरी सरकार कोशिश कर रही है कि वो पूरा निकल जाएं वो लोग। और भाई हमारी भी उम्मीद है और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निकल जाए, सभी लोग निकल जाएं, यही हमारी भी प्रार्थना है। और दोस्तों क्या ही बोले यार, मतलब कि समझिए, एक मैंने न्यूज़ में देखा है, मैं गया नहीं हूँ ना उत्तराखंड का हूँ मैं, लेकिन हमारे भी तरफ के बिहार के मतलब नहीं तो 5-6 मजदूर हैं अभी उसमें भी फंसे हुए हैं, बिहार के हैं और भी जगह के हैं, बहुत बहुत दूसरे दूसरे राज्य के भी वहाँ उसमें टनल में फंसे हुए भाई। और सभी लोग, लेकिन सरकार ने वहाँ की व्यवस्था अच्छी कर दी है, मतलब वो लोग घर पे भी बात कर रहे हैं, अपने टनल में फंसे हुए हैं लेकिन घर पे बात कर रहे हैं। और वहाँ की जो सरकार है वो पूरा का पूरा समझिए कि पूरा सहयोग दे रही है, वहाँ का जो मतलब ये है क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री भी वहाँ पे गए हुए हैं और जाने के बाद वहाँ का हर चीज़ देख रहे हैं, हर मतलब कैसे क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ वो छानबीन कर रहे हैं। और वहीं पे भगवान के मंदिर भी है, उस वो भगवान के मंदिर पे भी जा रहे हैं। और दोस्तों क्या ही बोले, और एक बात और बोलेंगे कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भी वहाँ पे गए नहीं हैं लेकिन अपना दूत भेज दिए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपना दूत भेजा है। और दूत भेजने के बाद वहाँ का हर चीज़ मतलब देख रहे हैं और फ़ोन से बातें भी कर रहे हैं, फ़ोन से बातें बातें करते हुए अपना मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब कैसे वो हो सकता है और जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन दोस्तों क्या ही मैं बोलूँ, मैं साला बताने से यार कुछ तकलीफ जैसी हो रही है इसके लिए। और इस बात से मैं वीडियो आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ ना, क्योंकि हमारी हम लोग भी इधर काम करते हैं, वैसा हमारे साथ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए सपोर्ट करना ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं यार और कि वो लोग निकल जाए, ये तो हमारी बार बार यार निकल रहे हैं मेरे से कि वो निकल जाए भाई, 12 दिन बिना धूप के वो लोग रह रहे हैं और अंदर ही फंस गए, पता नहीं अगर सरकार उनकी सहायता नहीं करेगी तो समझ लो कि वो उसी में दफन हो जाएंगे। लेकिन ये भय कि सरकार एकदम पूरी सहायता कर रही है उन लोगों की और उनको खाना दाना सब जो भी है सब कुछ उसमें मतलब भेज रहे हैं, वो लोग सब कुछ भेज रहे हैं भाई, खाना वाना भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भी भेज रहे हैं कि उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो। लेकिन बस बसरते बात यह है कि वहाँ पे मतलब हमको ऐसा सूचना मिला था कि सिर्फ 10 मीटर और रह गया है अंदर जाने के लिए, जो पाइप से डाल के निकाल रहे हैं ना वो बस 10 मीटर का दूरी रह गया है। और लेकिन उसमें क्या है ना कि मोटे मोटे सरिया हैं जो वो लोग उसके चक्कर में भाई उन लोग मशीन ख़राब हो जा रही है बार बार, इसीलिए फिर लाना फिर डालना कुछ ज़्यादा ही मतलब अंदर गया है ना इसके वजह से। और दोस्तों क्या ही बोले यार, और अंदर से मगर कैमरे वैमरे से भी बातचीत कर ले रहे हैं वो लोग घर पे, और घर पे क्या मतलब पूरा ही आप लोग देखे होंगे थंबनेल में कि कैसे मैंने दिखाया है, वो छोटा सा एक कैमरा भी अंदर भेज दिए हैं कि मतलब सारे सही हैं या नहीं है, सभी को भेज के और देखे हैं, सरकार ने हमारी देखी है भाई, वो इतना किए। और कल ही की बात है, कल पूरा लग रहा था कि अब निकल ही जाएंगे, लेकिन बसर के बात है कि वो थोड़ा सा और साला सदिया आ जा रहा है बीच में, इसके वजह से पत्थर भी आ जा रहे हैं, उधर पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ में जैसे छेद कर रहे थे वो लोग सुरंग बना रहे थे रोड रोड पार करने के लिए, इसके वजह से वो ये हादसा हुआ है। और इसीलिए उसमें पहाड़ है तो भाई बड़े बड़े पत्थर तो उसमें दिखेंगे, इसीलिए बड़े बड़े पत्थर अब क्या हो रहा है कि
उसी के वजह से मशीन खराब हो जा रही है। आगे की जो भी मतलब वो है ना, घुमा के माटी पीछे फेंकती है और उसके सहारे से अंदर ले बाहर गिरता रहता है माटी, वही खराब हो जा रही है। देखते हैं दोस्तों, लगे हुए हैं उसकी मतलब जो भी हमेशा नज़र बनी हुई है उन लोगों पे कि कैसे भी वो करके निकलेंगे। अभी देखेंगे, आप लोगों को जरूर सूचना देंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियो हमेशा देखेंगे तो जरूर यह सब सूचना मिलेगी आप लोगों को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।